अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. क्लास 9th एंड 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू कर रहे हैं. और आप अपनी जो बुक्स हैं वो साथ में रखिएगा. चैप्टर 2 हम रीड आउट कर रहे हैं. तो ओवरव्यू है चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुएगी, पहले वो रीड आउट करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. मतलब कि पावर को जो डिवाइड किया गया है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे. इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म. इसको फेडरलिज्म कहा जाता है. वी बिगिन बाई डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जर्नल टर्म्स. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. किस तरीके से जो फेडरलिज्म है इंडिया में प्रैक्टिस होता है उसके बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे. अ डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज फॉलोड बाई एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस. क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से फेडरलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है हमारे भारत में. उसकी प्रैक्टिस मतलब उसका जो एक्सपीरियंस हमने फेस किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of the Indian federalism. मतलब कि local government की तरफ हम move on करेंगे. तो अब ये overview था, chapter शुरू यहाँ से करते हैं. What is federalism? पहले तो federalism का meaning हम clear कर लेते हैं. Let us go back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. हमने Belgium and Sri Lanka के बीच में जो contrast देखा था पिछले chapter में. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. मतलब central government के हाथ में जितनी भी powers थी उसको थोड़ा reduce करके और state governments को power देना. रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट पहले आ गई थी. दे हैड देयर रोल्स इन द पावर्स बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को रिड्यूस कर सकती है जब चाहे उनसे ले सकती है. द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. 1993 में क्या हुआ था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा था रीजनल गवर्नमेंट्स को. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर. मतलब कि जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है. तमिल लीडर वोट द श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. अब जो तमिल लीडर्स थे वो चाहते थे फेडरल सिस्टम और डिवीजन ऑफ पावर हो. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. जहाँ पर कुछ पावर सेंट्रल के पास होती है और बाकी पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है. यूजली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दो फेडरेशन में दो लेवल गवर्नमेंट है. One is the government for the entire country that is usually responsible of few subjects of common national interest. मतलब कि जो बहुत कम इश्यूज से रिलेटेड होती है और वो इश्यूज से रिलेटेड होती है जो इश्यूज नेशन के इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनली जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड होती है. द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट. और दूसरी कौन सा है जो टाइप है गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है. बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, ज़्यादा अपनी पावर्स को इंजॉय करते हैं. तो फेडरलिज्म का मीनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है. नेक्स्ट देखते हैं. In this sense, federation are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are the subordinate to central government. अब देखिए, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट तो बन जाती है, लाइक सीएम बन गया, वो स्टेट गवर्नमेंट को होल्ड करेगा, स्टेट को होल्ड करेगा, बट पीएम की बात तो वो भी नहीं टाल सकते. अगर पीएम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, तो उन्हें माननी पड़ती हैं.
But in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, मतलब उनके स्टेट में कौन सी पॉलिसीज होगी, इस तरीके की चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. लोगों को ये आंसर करेंगे. मान लीजिए अगर एक सीएम ने अपने स्टेट के लिए कोई फैसला लिया है, मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा था कि अब पेपर होंगे या नहीं होंगे, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होंगी, तो हरियाणा HBSC बोर्ड ने अपने लिए लिया कि हरियाणा के अंदर ये डीलिंग होगी, पंजाब ने अपने लिए लिया, पंजाब ने जीरो सेशन डिक्लेयर कर दिया है कि सिर्फ पंजाब में जीरो सेशन रहेगा. तो ये स्टेट की डिसीजन है. अब इस डिसीजन को PM नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज उनको CM बनाया ही इसीलिए गया है कि वो अपने स्टेट के डिसीजन ले सके. अगर हर डिसीजन में PM की मनमानी होगी, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है ना, और PM के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हर एक स्टेट के इश्यूज को देखे. फिर तो नेशनल इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट वीडियो था.